नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, अगर आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं, बैंक में दोस्तों आपकी एफडी है या आप अगर आपका सेविंग अकाउंट है, तो दोस्तों अगर आपकी एफडी है तो एफडी पर तो आपको पता है पहले से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जब से रेपो रेट बढ़ा है तो सभी बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट की, तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट पे भी आपको काफ़ी अच्छा जो है रेट देखने को मिल रहा है। अभी तक सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता था वो मैक्सिमम दोस्तों 3 से लेकर 4% तक मिलता था, पर दोस्तों अभी आप देखेंगे कि अब इस समय मौजूदा 5 तारीख की बात करेंगे, आज 5 सितंबर है, तो आज से दोस्तों बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया गया है और अधिकतम मैक्सिमम कितना किया गया है 6.25। तो दोस्तों 6.25% के हिसाब से अगर आपका सेविंग अकाउंट भी है किसी भी बैंक में, तो आपके मैक्सिमम इतने परसेंट तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट कब मिलता है, कितने महीने के अंदर मिलता है और ये बढ़त क्यों की गई है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपका 1 रुपया भी बैंक में जमा है दोस्तों, तो आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट मिलने वाला है, क्योंकि 6% का इंटरेस्ट रेट बहुत ही शानदार है। वहीं बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हो, आपके सामने है दोस्तों, रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद ब्याज दरों को और बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में प्राइवेट बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए खुशखबरी दी है, क्योंकि खुशखबरी है दोस्तों अगर आपको 6% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो खुशखबरी वाली बात है। बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान किया है। बैंकों की वेबसाइट के मुताबिक ये नई ब्याज दरें 5 सितंबर 2022 यानी कि आज से लागू हो जाएंगी। तो आज से अगर आपका बैंकों में पैसा है दोस्तों, तो बिल्कुल भी ना निकालिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलने वाला है, लगभग 6.5% तक। बात करेंगे ब्याज दरों में बदलाव के बाद आरबीएल ने अपने ग्राहकों को 6.25% की ब्याज दर के हिसाब से पैसे देने की घोषणा की है। नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेविंग डिपॉजिट यानी कि जो सेविंग अकाउंट है उसमें एनआरआई और एनआरओ, जो लोग भारत के हैं वो बाहर रहते हैं या बाहर के लोग जो भारत में रहते हैं उनके अगर इंडिया के अंदर सेविंग अकाउंट है तो ये प्रॉफिट उनको भी मिलने वाला है। साथ ही साथ इस कैटेगरी के लोग भी बैंक में सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि आज से, आज 5 सितंबर 2022 है, आज से अगर आप बैंक अकाउंट में पैसा डालते भी हैं तब भी आपको पैसा बढ़कर मिलेगा। सेविंग अकाउंट पर मिलेगा कितना ब्याज दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डिटेल में सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर आपका 1 लाख से 10 लाख रुपए के बीच है, आपका 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक अगर आपकी राशि है, तो आपको 5.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मतलब बहुत ही अच्छा है, ये भी अच्छा है। अब से पहले 3 से 4% ही ब्याज मिलता था। वहीं दोस्तों 25 लाख रुपये से अगर ज़्यादा है तो आपको 25 लाख रुपए तक 6% देखने को मिलेगा। वहीं 25 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो 6.25 देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ब्याज दर बढ़ने के बाद, तो आपको पता है दोस्तों ब्याज दर बढ़ाई है, यानी कि 0.25 बेसिस पॉइंट है। आपको पता है बीच बीच में रेपो रेट बढ़ता रहता है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि रेपो रेट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, हमारा केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI सबसे ऊपर होता है, और RBI के नीचे जो है दोस्तों बाकी बैंक होते हैं जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में है, कोई भी हो सकता है, PNB हो सकता है या आपको ICICI बैंक देखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि पब्लिक क्या करती है कि जैसे PNB, स्टेट बैंक, SBI वगैरह ये बैंक होते हैं, तो आम लोग या पब्लिक लोग या कोई भी व्यक्ति इन बैंकों में जाकर अपना पैसा जमा करता है या दोस्तों इन्हीं बैंकों से क्या होता है कर्ज लेता है। तो अब क्या होता है कि देखिए, हमने पैसा कहाँ जमा किया, मानकर चलिए हमने RBI में जमा किया या हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया, और यही बैंक जब हम कर्ज लेने जाते हैं तो हमें पैसे दे देते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा हम जमा कर रहे हैं उसी से बैंक का काम चले। हो सकता है बैंकों को और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़े, तो उसके लिए अगर बैंक और ज़्यादा बैंकों को आवश्यकता है पैसों की, तो वो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेते हैं। ऐसे ही प्राइवेट और सेक्टर के या गवर्नमेंट सेक्टर के सभी बैंकों की यही काम होता है। अब जब दोस्तों रेपो रेट बढ़ाया जाता है, तो जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो प्राइवेट बैंकों को पैसा देती है तो उस पैसे का ब्याज लेती है, यानी कि बिना ब्याज के यहाँ कुछ नहीं चलता है, ऊपर का बैंक हो या नीचे का बैंक हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो इंटरेस्ट RBI छोटे बैंकों को देती है उनमें 0.25% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि इंटरेस्ट बढ़ाया गया है। वहीं क्या होता है कि जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो अगर हम छोटे बैंकों में हमारा पैसा जमा है, तो हमारा जो पैसा जमा है उस पर हमें बढ़कर पैसा मिलता है, और जो लोन लेते हैं उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जो लोग पैसा जमा करके रखते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है और जो लोग कर्ज लेकर रखते हैं उनको नुकसान हो जाता है, और यही रिजर्व बैंक का जो रेपो रेट है इस तरीके से काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 1 से लेकर 3 करोड़ तक 6.25, अगर किसी के 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के बीच हैं तो 6.25,
5 करोड़ से 7.5 करोड़ के बीच 6.25 और 7.5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच 6.10%। वहीं दोस्तों अगर किसी के 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच है तो 5.25%, 100 करोड़ से 200 करोड़ वालों को 6% और 200 करोड़ से 250 करोड़ वालों को 4% और 250 करोड़ से 500 करोड़ वालों को 4% और 500 करोड़ रुपए से ऊपर वालों को 4.5%। यानी कि दोस्तों कम पैसे वालों को ज्यादा इंटरेस्ट है और जिनके करोड़ों में पैसे हैं उनको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। तो ये प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर अपनाई गई है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो बैंकों के मुताबिक बैंकों में खाते में हर दिन बैलेंस के हिसाब से ब्याज जोड़ा जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है, अगर मानकर चलिए आज आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये हैं तो आज आपको 1000 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। किसी दिन आपके बैंक अकाउंट में अगर 500 रुपये हैं तो 500 रुपये के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। किसी दिन आपके अकाउंट में अगर 50,000 हो जाते हैं तो उस दिन 50,000 के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। यानी कि पर डे आपका कितना बैलेंस है उस हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा और ब्याज तिमाही आधार पर आपके सेविंग बैंक खाते में जमा किया जाएगा। हर 3 महीने में बैंक में पैसे आएंगे दोस्तों। तो ब्याज का पैसा कब मिलता है, इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में कब आता है, तो इस साल ब्याज का जो पैसा आने वाला है वो 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को आने वाला है। बैंकों की ओर से बढ़ाई गई नई ब्याज दरें 5 सितंबर यानी कि आज से लागू की जाएंगी। अभी दोस्तों जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो आरबीएल बैंक का एग्जांपल दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने लाइव है। तो यहाँ पर हमने आरबीएल का दिया है। उसी तरीके से दोस्तों जितने भी बैंक हैं सभी की यही कैटेगरी है और इसी हिसाब से मैक्सिमम आपको सभी बैंकों पर जो है ब्याज देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपका किसी भी बैंक में पैसा है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा है, इस समय बैंक में आपको लगभग 6.25% के आसपास इंटरेस्ट रेट देखने को मिलने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।